दूसरों का धन देखकर ललचाने वाले लोग पाप के कुंड में गिर जाते हैं, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। और दूसरों की स्त्री को देखकर ललचाने वाले लोग रावण बन जाते हैं। दूसरों के पुरुष को देखकर ललचाने वाली स्त्रियां सुपर्णखा बन जाती हैं और लंका लांघ करके और समुद्र कूद करके इंडिया में आ जाती है। इसलिए बचो ये आकर्षण से। और कोई अगर सोचती हो स्त्री की दूसरे पुरुष में ज्यादा सुख मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब वही मॉडल है, वही कंपनी है, खाली खीसे अलग अलग काटते हैं लोग, बाकी कुछ खास बात नहीं। कोई पुरुष सोचता हो दूसरी स्त्री में ज्यादा सुख होगा, अरे कुछ नहीं है, उसके पति से पूछ लो कलेजे पर हाथ धर के तेरे को कितना मिला, तो बोलता है अब बस या तो मौत हो जाए मेरी या उसी हो जाए, छुटकारा नहीं मिल रहा। तुम कहां आफत ढूंढ रहे हो, वहां सुख कहां है? उसमें सुख नहीं है। सुख कब आता है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरे समान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरे समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एवि रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवम वशाम। संतोष का अमृत, आप करोड़पति बनो, मैं नहीं कहता हूं कंगाल रहो आप, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं करोड़पति बनो पर संतोष फिर भी रखो। करोड़पति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं, अरबपति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं, पत्नी का पति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं है, और पत्नियां भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं है। धन जितना मिला है और जितना ज्यादा तुमको चाहिए सब मिल जाएगा। आज ऐसा आशीर्वाद ये व्यास गादी प्रेषित कर रही है, पूज्य श्री क्षमा देव जी के चरणों में नमन करता हूं। सबके लिए आशीर्वाद है, तुम खूब धनवान बनोगे, लेकिन याद रखना दुनिया का सब धन हो उसके बाद संतोष धन भी होना चाहिए। बोलिए सदगुरु श्री क्षमा देव की जय, सदगुरु श्री असंग देव की जय। बिनु संतोष ना काम न साई, बिनु संतोष ना काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने हुनाही, बिनु संतोष न काम न साई। दिन भर दौड़ो, दिन भर मेहनत करो, कमाओ खूब, लेकिन रात में बिस्तर पर जाओ न साई, टेंशन मत रखो। राजनीति में भी बहुत टेंशन है, बिजनेस में भी टेंशन है, लेकिन टेंशन लो ही मत। टिकट कट जाएगा तो कट जाने दो, टिकट कट जाएगा कोई गला थोड़े कट जाएगा। जिन्होंने कभी राजनीति किया ही नहीं, मुकेश अंबानी ने कभी राजनीति नहीं किया है, क्या फर्क पड़ता है, अपना बिजनेस करते आराम से। कितने नेता लोग उनको टिकट न मिले हार्ट अटैक हो जाता, टिकट नहीं मिला तो टिकटी मिल गई वो मर गए हार्ट अटैक हो गया। अरे टिकट ना मिले तो 5 साल मूर्खता छुट्टी मिल गई, आराम करो घर में, बढ़िया फर्स्ट क्लास खिचड़ी और दही खाइए और शाम को सब्जी रोटी खाइए और खूब प्रवचन सुनिए और पैरों में तेल मालिश करिए और खोपड़ी में नारियल तेल लगाइए और ओंठों में घी लगाइए और आँखों में मलाई लगाइए, अंदर मत घुसेड़ देना मलाई, ऊपर लगाना। और नाभी में सरसों तेल डालिए और धूप में बैठिए सुबह, 100 ग्राम तेल खोपड़ी में भर के खूब मालिश करो,
बढ़िया तंदुरुस्ती हो गई, व्यायाम कर लीजिए, मस्त रहिए, सुखी। सब क्या फायदा क्या है? कितने लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है टिकट तुम्हारा तभी कटेगा जब तुमको सुख मिलने का समय आ गया होगा, नहीं तो टिकट नहीं कटेगा। टिकट कट गया तो समझ लो सुख शांति का टिकट मिल गया। बस सुख से रहो, दुख किस बात का, चिंता किस बात का? पूरा देश थोड़े नेता बन सकता है, पूरा देश थोड़े प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। ना ना ना, चिंता ही मत करना, बिजनेस करो, संतोष रखो, ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत पड़ो। हैया दैया मैया ये केवल कन्हैया, बस हैया दैया मैया कुछ नहीं, झंझट हैया दैया मैया रुपया भैया चक्कर में पड़े हुए हैं। बस आनंद रहो, कोई दुख नहीं, खुश रहना चाहिए। दो बच्चे सगे भाई थे, किसी गांव में रहते थे, पढ़ते थे, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट लेने गए, मार्कशीट, दोनों खुशी से गए, नए कपड़ा पहन कर गए, बाल ठीक करके गए, माँ ने भी उनको दूध रोटी खिला कर भेजा कि जाओ अपना अपना रिजल्ट ले आओ। तो वहाँ जब रिजल्ट लिया तो जो बड़ा लड़का था वो फेल हो गया और छोटा वाला फर्स्ट पास हो गया। तो छोटा वाला खुश था, तो बड़ा वाला उससे ज़्यादा खुश था। तो छोटे वाले ने कहा तू क्यों खुश है, तू फेल हो गया? बोले मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे बहुत से मित्र फेल हुए, उनके साथ फिर क्लास में उसी क्लास में बैठने का अवसर मिलेगा और वही टीचर फिर मुझको पढ़ाएगा जिसके पढ़ाने से फेल हुआ, इसलिए खुश हूँ। मीठा खरीदा जाकर बड़े लड़के ने, छोटे लड़के ने भी खरीदा। तो छोटा वाला पूछा तू क्यों खरीदा, तू फेल हो गया? बोले स्कूल में फेल हुआ हूँ, अपने मम्मी पापा को मीठा खिलाने में क्यों फेल हूँ, मीठा तो मैं भी खिला सकता। मीठा लेकर आया घर में, जब दोनों के हाथ में मीठा देखा तो मम्मी पापा खुश हुए, उन्होंने समझा दोनों पास हो गए, दोनों फर्स्ट होंगे, तभी तो दोनों मीठा लाए अलग अलग डिब्बा। तो डिब्बा खोल के पहले ही सबने खा लिया, खूब बटा डिब्बा, बहन ने भी खाया, भाइयों ने खाया, पड़ोसी भी मीठा खाने आ गए। बाद को मार्कशीट देखा तो बड़े लड़के को मार्कशीट देखा तो उसमें लिखा था फेल। तो बाप ने कहा मूर्ख फेल हो गया फिर भी बर्फी लेकर आया, इतनी अकल नहीं तेरे को? अरे पिताजी आप समझो तो ठंडे रहो, मैं फेल हुआ हूँ स्कूल में, अपने बाप को बर्फी खिलाने में क्यों फेल हो जाऊँ, इसलिए बर्फी खाइए, आपको तो बर्फी ही मिलती, हम पास होते तो मिलती और फेल हो गए तो भी मिल गई, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं? माँ ने कहा कोई बात नहीं, देखिए समझ अलग अलग, बाप उलझ गया, गुस्सा आ गई, लेकिन माँ क्या कहती है? माँ कहती है अरे जो पास हो गया है ये बेटा कहीं दूर नौकरी करेगा, ये दूर रहेगा, पास जो हुआ है ये नौकरी करेगा दूर रहेगा, जो फेल हो गया है वो मेरे पास रहेगा और मेरी सेवा करेगा। फेल होने में भी बुराई थी, हाँ फेल हो गए तो क्या है, फेल हो गए तो जहर खाना, फांसी लगाना, घर से भाग जाना, पागल होना, दिमाग खराब करना, वो डिप्रेशन में हो जाना और घर वालों को परेशान करना, मुंह लटका के बैठे रहना, लार टपकाते रहना, ये डबल मूर्खता। कोई बात नहीं, फेल होना, स्कूल में फेल हो सकते हो, कभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे और बिजनेस में इतना सफल हुए कि पूरे भारत देश में उनका बिजनेस चल रहा है, कितने हजार पेट्रोल पंप, कितने लाख पेट्रोल पंप उनका चल रहा है, रिलायंस का, जियो का पेट्रोल पंप और जियो का मोबाइल सबके पास में है। देखिए 10वीं फेल, केवल 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति मुकेश अंबानी कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया।
याद रखना, आपका मनोबल फेल नहीं होना चाहिए, आत्मबल फेल नहीं होना चाहिए, और आपका संकल्प फेल नहीं होना चाहिए, आपका परिश्रम फेल नहीं होना चाहिए, लगन फेल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लगन लगी हुई है तो कम पढ़ने के बाद भी तुम बहुत पढ़ने वालों से भी आगे निकल सकते हो। इसलिए कभी घबराना मत, उबना डूबना मत। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब बच्चे फेल हो जाओ जाकर, उल्टा अर्थ मत लगा देना। फेल नहीं होना है, पढ़ना भी चाहिए मन लगाकर। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है, विद्यार्थी को संयम नियम से रहना चाहिए, विद्यार्थी को कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को भोजन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, विद्यार्थी को टाइम पर सोकर उठ जाना चाहिए, विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने वाले विद्यार्थी की बुद्धि कम हो जाती है। जिनको क्रोध ज़्यादा आता है उनका स्मरण कम हो जाता है, और जिनका स्मरण कम होने लग जाए तो समझ लेना अब मरण जल्दी होने वाला है। इसलिए व्यासकादि निवेदन करती है, गुस्सा को कंट्रोल करिए। कितने लड़के लड़कियों को बहुत गुस्सा आती है, उनके क्रोध से माँ बाप परेशान है, और कितने बेटे बेटियों की मांगें बहुत हैं, कोई स्कूटी मांग रहा, कोई कार मांग रहा है, माँ बाप बेचारे तंग हो गए, फीस देने के पैसे नहीं हैं, वो स्कूटी 80,000 की मांग रहे हैं। कोई बेटा कहता कार दो नहीं तो फिर हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तो बाप कहता अरे बेटा कार नहीं है, ऐसे कर लो। पैदल जाकर स्कूल में पढ़ने वाले लोग टॉप कर गए, तुम कार मांग रहे हो। ऐसे महान पुत्र बनो, पिता से मांगना है, माँ से मांगना है तो केवल संस्कार मांगिए, उनसे कार मत मांगिए, और जब संस्कार वो दे देंगे तो जवान होने पर तुम कार खुद ले लोगे, उसी कार में माता पिता को बिठा कर ले जाओगे। संस्कार कार नहीं, संस्कार। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। संत कबीर कह रहे हैं, संसार में जितने शरीरधारियों को मैंने देखा है, जिसको देखा उसको दुखी देखा है, जो देखा सो दुखिया, किसी को सुखी नहीं देखा। तो क्या संसार में सुख है नहीं? तो सुख नहीं है तो क्या दुख ही दुख है? तो दुख है क्या? रात रात ही रात है, दिन है ही नहीं? नहीं नहीं, दिन भी है रात भी है। तुम दिन में भी आंख मूंदे रहते हो, तुम्हारे लिए दिन भी रात बन जाता है। रात तो रात है ही, रात में आंख खोलो तो भी नहीं दिखता है, टॉर्च लो तब दिखेगा, और दिन में आंख मूंद लो तो भी नहीं दिखता है। तो कितने लोगों ने दिन को भी रात बना रखा है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुख को भी दुख बना रखा है। सुख है, सुख में भी गोबर घोल दिया है, सुख को भी दुख में बदल दिया है। जिसे राजा दशरथ ने बहुत बड़ी बात कहा है, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी यति ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? बुढ़ापे में सुख से रहने का अवसर आया, राम जैसा मेरा बेटा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मेरे बेटे, कौशल्य सुमित्रा कैकेयी जैसी मेरी रानियां, और अयोध्या जैसा महल कनक भवन, सुख से रहने का वक्त आ गया। लेकिन ऐसे सुख के अवसर में क्या हो गया? ऐसा हुआ जैसे कोई साधु जिंदगी भर तपस्या करे, ब्रह्मचर्य से रहे, संयम नियम से रहे, योग साधना करे, खूब त्याग तप करे, सब करे, जप करे, लेकिन
जब अंत में त्याग तप संयम नियम जप का सब रिजल्ट मिलने को आया, योग सिद्ध फल समय जिमि यति ही अविद्या नाश, तो उस यति वो साधु उस योगी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुढ़ापे में जाकर के वो डगमगा गया, डवाडोल हो गया। जैसे उस यति की दुर्गति हो गई, ऐसे मुझको भी बुढ़ापे में सुख पाने का समय आया था। हमारे अविद्या में मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया, कैकेयी जिद्द पर अड़ गई, सब सुख राख हो गया। सुख है, सुख भोगने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। ज्यादातर लोग अपने घर के सुख को भी दुख में बदल देते हैं, कलह कलेश करते हैं, राग द्वेष करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बोलते हैं, हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं, स्त्रियां भी शांत नहीं रहती हैं, ऐसे चिल्लाती है कि कोई समझ जाए मैं भी इसी घर में रहती हूं, इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। नहीं नहीं, जितना जोर जोर से बोलोगे सुख घटेगा, धीरे बोलोगे मीठा बोलोगे सुख बढ़ेगा, बड़ों का आदर करोगे सुख बढ़ेगा, बड़ों का अनादर करोगे छोटों को स्नेह नहीं दोगे सुख घटेगा दुख बढ़ेगा। सत्संग सुनोगे तो सुख बढ़ेगा, कुसंगत में बैठोगे तो दुख बढ़ेगा, गुरु की भक्ति करोगे सुख बढ़ेगा, भक्ति से दूर रहोगे धन दौलत कितनी हो जाए दुख बढ़ेगा। धन दौलत से केवल सामान मिलता है, सामान सुविधा मिलती है, अंतर सुख नहीं मिलता है। सामान में यदि सुख होता तो सामान बनाने वाली कंपनी का मालिक सामान बेचता नहीं, वो सब सामान अपने पास रखता सुख के लिए। सामान बनाने वाली कंपनी मालिक को सामान बेचने में सुख लग रहा, सामान खरीद कर लाने वालों को खरीद कर घर लाने में सुख लग रहा, लेकिन दोनों में सुख नहीं। एक आदमी बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा जा रहा था, बड़ा उदास था। तो हमने कहा गाड़ी आपकी है कि किराए की है? बोले मेरी है। तो हमने कहा इतनी सुंदर गाड़ी मर्सिडीज में बैठे उदास क्यों हो? दुबई में था, दुबई में सत्संग करने गया था किशोर भाई के यहाँ, किशोर भाई पोपट भाई के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी अच्छी है, 4 करोड़ की है गुरुजी, लेकिन जब सर्विसिंग में जाती है तो 1.5 लाख से कम लगता ही नहीं है। तो हमने कहा इसको लिया क्यों? बोले सेकंड हैंड मिली थी, 1 करोड़ में ले लिया था। ये लोग देखेंगे कहेंगे मर्सिडीज में आ गए, और लेने के बाद पता चला है मर्सिडीज में हम मर गए, फालतू फंस गए। हाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ सेकंड हैंड होने के बाद बिकती ही नहीं हैं, कोई होशियार आदमी खरीदता ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार सर्विसिंग में जाएगी तो 1 लाख 1.5 लाख तो सर्विसिंग खर्चा आएगा, और साल में अगर 6 बार सर्विसिंग हो गई तो पता चला 10 लाख यही हो गया। इससे अच्छा 10 लाख में नई गाड़ी ले लो, टाटा वाटा की वही। हमने अपने संत से पूछा आज सर्विसिंग में जा रहे हो कितने पैसे दूँ? तो बोला 25,000। तो हमने कहा उसमें बिगड़ा तो कुछ नहीं है? बोले बिगड़ा नहीं है, खाली छू लेगा तो भी 25,000 बताएगा, वो फार च्यूनर है, पूरी पीठ कुर्ता सब फाड़ देगी। तो ये याद रखना, हाथी कोई फ्री में दे तो भी मत लेना, उसको बांधोगे कहाँ? वो अगर पीछे बैक हो जाएगा तो दीवार गिरा देगा, आगे कहीं नाराज हो गया सूंड हम लपेट के तुमको फेंक देगा, और खाएगा इतना एक ट्राली भर खा जाएगा डाल पत्ता, तुम बर्बाद हो जाओगे, और चारा नहीं मिला तो तुम्हारा छप्पर दीवार सब गिरा देगा, इसलिए फ्री में हाथी मिले तो भी मत लेना। तो फिर क्या लेना है?
मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, अपनी औकात में रहो, खुश रहो। कम से कम कार नहीं चलाओगे तो भी कुछ खर्चा तो नहीं होगा, खड़ी है, लेकिन हाथी चले चाहे न चले खाएगा खूब। इसलिए हाथी और घोड़ा और गधा, इसके चक्कर मत पड़ो। कोई नहीं, हाथी का मूड खराब हो जाए। एक बार कटिहार जिले में प्रवचन था, वहाँ हाथी लाए। भक्त लोग मेरे से बोले, आप बैठो हाथी पर। मैंने कहा, मैं तो कभी हाथी वाथी पर बैठता नहीं, मेरा गुरु मना किया है। तो बोले, फिर आपके चेले बैठ जाए। तो हमने कहा, चेले बैठ जाए? तो चार पांच चेला बिठा दिया, अब हाथी का पूरा खराब हो गया। अब हाथी भागा आगे को और फिर पीछे। अब चेले इतना ऊंचे, वो भी पहली बार बेचारे बैठे थे, बोले, गुरु जी क्या हो रहा? हमने कहा, अरे या तो तू रहेगा या हाथी रहेगा, जाने दो जो। तब से मैं अपने साधु को भी हाथी घोड़ अप नहीं बिठाता। वो यहाँ जो बग्घी आई थी कल शोभा यात्रा के लिए, वो अच्छी बग्घी है, उसमें घोड़े थे, लेकिन न घोड़े चारा खाते हैं न लात मारते हैं। हाँ, और बड़े शांत घोड़े, ही भी नहीं करते हैं। ओ, लोहे की थी ना वो जीप थी, कार, कार में घोड़ा बने हुए थे, बड़े सुंदर थे। इस तरह घोड़े वाली कार में बैठ लो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सचमुच घोड़े मत बैठना। उसमें दो बाघ भी बने थे, बाघ, उनके पीठ पर मैं हाथ धरा था। और तुम सच्चे बाघ की पीठ पर हाथ धर के देखो, तुम्हारी पीठ फाड़ न दे तो बता दे। तो नकली बाघ थे हमारे साइड में। और दो देवियां खड़ी थी, एक इधर कोई लेडीज खड़ी थी, एक इधर उसी रथ में हाथ जोड़ के और मुस्कुरा रही थी। तो वो लेडीज खड़ी है तो चल गया, और सच्ची लेडीज खड़ी हो जाए आजू बाजू तो खतरा ही खड़ा हो जाए। इसलिए सब सावधान होशियार। हाँ, दाग लग न जाए जिंदगी में। 2 दिन की जिंदगी है, दाग से बचाना।